400 पार जरूरी है और इस बार भारी संख्या से सरकार 400 से ऊपर सीट पूरे भारतवर्ष में लाकर और भारी बहुमत से सरकार भाजपा का बनेगा। मेरे क्या हम लोग कोनो सांसद जी को वोट थोड़े दे रहे हैं, हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, उनको देंगे, उनको भारी मत से जीतेंगे वो। नमस्कार, आप मैं हूं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। पांचवें चरण के मतदान को लेकर हम अभी मौजूद हैं बिहार के मधुबनी जिला में। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, यह मधुबनी के महिला कॉलेज के आदर्श मतदान केंद्र हैं। आप देख सकते हैं कि यही मतदान केंद्र है, जो समय अभी तकरीबन 6:30 हो रहा है, 7 बजे से मतदान चालू होना है। लोग हालांकि लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, लोग जो है वो 6:30-7 तक या 7 बजे तक आएंगे, लोग ये जानते हैं। और यहाँ खास बात ये है, सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं मतदान को लेकर। मतदान कर्मी जो हैं वो अपने अपने सीट पर बैठ चुके हैं। और एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया गया है। एक तरफ बिहार पुलिस हैं, बिहार पुलिस की तैनाती की गई है, तो दूसरी तरफ BSF आर्मी की भी तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं लोग पूरी मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। और मधुबनी ज़िला की अगर इतिहास की बात करें तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो है विद्यापति की यह धरती रही हैं और विद्यापति की धरती रही हैं, और तो दूसरी तरफ कालिदास की भी ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी। और इस मधुबनी ज़िले की एक खास चीज़ और हैं, जो मिथिला पेंटिंग है, जो इस लोकसभा क्षेत्र को पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाई हैं। और जो वोटर्स आएंगे, हम उनसे आपको बात करवाएंगे कि क्या उसका रुझान क्या है, किस तरफ इस बार इशारा कर रहा है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं सारी तैयारियों के बीच मतदाता जो हैं वो आपसे कुछ देर बाद आएंगे। जैसे समय जो होगा 7 बजेगा, मतदाता अपनी मतदान करने के लिए अपने मतदान एक एक वोट का अधिकार लोग जानते हैं। आप युवा हैं और युवा हैं तो फिर क्या देखते हुए आप इस बार वोट कर रहे हैं? कुछ नहीं देखना है, बस कमल छाप का बटन दबाना है और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। देश हित के लिए आपको 400 पार जरूरी है और इस बार भारी संख्या से सरकार 400 से ऊपर सीट पूरे भारतवर्ष में लाकर और भारी बहुमत से सरकार भाजपा का बनेगा। अच्छा, यहाँ अगर टक्कर की बात की जाए, अगर देखा जाए तो यहाँ कौन कौन प्रत्याशी आमने सामने? कोई टक्कर में नहीं है, एक तरफा है कमल छाप। इसमें 4 है, 7 बजे से ना है, 7 बजे के बाद ही ना लोग आएंगे, वैसे धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिए हैं। जी जी, हाँ तो सही बात है, 7 बजे के बाद ही ना सब फ्रेश व्रेश होगा, उसके बाद उठेगा आएगा। किन से रखना है मुद्दा? मुद्दा क्या होगा? जनता की क्या, आप लोगों की क्या मुद्दा? जनता में क्या, हम लोग कोनो सांसद जी को वोट थोड़े दे रहे हैं, हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, उनको देंगे, उनको भारी मत से जीतेंगे। वो करवाएंगे अपने सांसद से। जी जी, मेरा नाम राजा प्रसाद गुप्ता। कौन सा जगह हुआ ये? महिला कॉलेज रोड हुआ, मधुबनी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। फिलहाल के लिए इतना ही।